नमस्कार दैनिक टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गैंगस्टर गोल्डी बराड और उसके सहयोगी की सूचना देने पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी IAA की तरफ देगी यानी कि 20 लाख रुपए का इनाम की घोषणा की है। कनाडा दे रहा है 1.5 करोड़ का इनाम। यानी साफ तौर पर जो गैंगस्टर गोल्डी बराड को तो आप जानते हैं किस तरह से सुर्खियों में रहता, और वहीं पर अगर बात करें तो गोल्डी बराड के और उसके सहयोगी के ऊपर NIE की तरफ से अब 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। पूरी खबर के आपके समक्ष रखना चाहेंगे। बताना चाहेंगे गैंगस्टर व आतंकी गोल्डी बराड को पकड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने एक बड़े इनाम की घोषणा की है। NIA ने वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बराड और अन्य गैंगस्टर की गिरफ्तारी या पकड़वाने के लिए भी सूचना देने पर 10-10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। बता दें कि इस पर कनाडा में भी 1.5 करोड़ रुपए का इनाम कनाडा सरकार लगाए हुए है। अपहरण हत्या के एक मामले में NIA ने ये इनाम रखा है। चंडीगढ़ में अवैध अगवाही और साथ ही साथ जानलेवा हमले से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी NIA की इस मामले में बड़ी कार्रवाई है। NIA ने गैंगस्टर गोल्डी बराड के अलावा एक अन्य गैंगस्टर को गिरफ्तार करवाने या पकड़वाने वाले शख्स को 10 लाख रुपए की नकदी इनाम देने की घोषणा की है। गैंगस्टर गोल्डी बराड से जुड़े मामले में चंडीगढ़ के रहने वाले एक कारोबारी के यहां भी जांच एजेंसी ने की सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई है। अपहरण हत्या के एक मामले में NIA ने गैंगस्टर गोल्डी बराड पर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। एजेंसियों ने दोनों में से किसी की गिरफ्तारी के लिए कोई भी सूचना देने पर 10-10 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की है। एजेंसियों ने आगे कहा कि सूचना देने वाले की पहचान यानी गुप्त रखी जाएगी। वहीं बताना चाहेंगे कि इस मामले में गोल्डी बराड आरोपी दोनों आरोपी 8 मार्च 2024 को जबरन वसूली के लिए एक व्यवसायी यानी कारोबारी के घर पर गोलाबारी करने के संबंध मामले में वांटेड थे। आरोपी सतविंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड पुत्र शमशेर सिंह निवासी आदेश नगर शिखमुक्ति मुक्तसर साहिब सिटी पंजाब और आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी ढिल्लों उर्फ गोल्डी राजपुरा पुत्र सुखजिंदर सिंह बाबा दीप सिंह कॉलोनी राजपुरा पंजाब के खिलाफ IPC UAP अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों के संबंध में जानकारी देने के लिए इन निम्नलिखित नंबरों पर आप ईमेल पते या आप फोन के माध्यम से ये जानकारी साझा कर सकते हैं। यानी कि NIA मुख्यालय नई दिल्ली निरंतर कक्षा का नंबर है, टेलीफोन नंबर है 01124360000। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का नंबर है 8558589300। ईमेल आईडी है do.nia@gov.in। NIA शाखा कार्यालय चंडीगढ़ टेलीफोन नंबर है 01722682900 और साथ ही साथ दूसरा नंबर है 01722682901। वहीं पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर जो है 7743002947 है और वहीं पर टेलीग्राम नंबर है 7743002947। ईमेल आईडी फिर से बताना चाहेंगे info@chd.nia@gov.in। साथ ही साथ बताना चाहेंगे बड़ी जो खबर आ रही है ये गैंगस्टर गोल्डी बराड को लेकर आई, जिसके ऊपर फिलहाल उसके और उसके सहयोगी के ऊपर 10-10 लाख रुपए की इनाम घोषणा की है NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि कनाडा ने पहले ही 1.5 करोड़ का इनाम इनके ऊपर रखा है कि कोई भी अगर इनकी जानकारी देता है तो इन्हें 1.5 रुपए का इनाम इन पर देने के घोषणा की गई। वहीं पर अगर बात करें गोल्डी बराड की बात करें उसके सहयोगी की बात करें तो दोनों के ऊपर 20 लाख रुपए की NIA की तरफ से इनाम की घोषणा की है। और ये भी कहा है कि आम जनता के टेलीफोन नंबर टेलीग्राम नंबर व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ साझा किया, कोई भी अगर इनकी जानकारी पुलिस के वो देता है या इन नंबरात पर जानकारी देते हैं आपकी जो पहचान उसे गुप्त रखा जाएगा, उसे रिवील नहीं किया जाएगा। पर हाँ, आप उस इनाम के हकदार होंगे जिस पर गोल्डी बराड और साथ ही साथ गैंगस्टर गोल्डी बराड और उसके सहयोगी पर 10-10 लाख रुपए का इनाम यानी 20 लाख रुपए कुल इनाम NIA की तरफ से घोषणा की है। अगर कोई भी व्यक्ति उन दोनों में से किसी की भी अगर जानकारी देता तो उसे प्रत्येक के ऊपर 10 लाख रुपए, अगर दोनों की जानकारी पुलिस के साथ साझा करते तो 20 लाख रुपए की यानी कि जो घोषणा
इनाम की कि उन्हें 20 लाख रुपए के हकदार होंगे। फिलहाल इस वीडियो में अपने सुझाव भी दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि इन लोगों की जानकारी के नंबर जो हमने आपके साथ साझा किए वो नंबर आप तक पहुँचे और हर एक जनता तक पहुँचे। शायद जो लोग जानते हों या जिनको कोई सूचना मिले तो वो इन नंबरात के माध्यम से पुलिस तक अपनी जो जानकारी रख सकते हैं और आप उस 10 या 20 लाख के इनाम के हकदार हो सकते हैं। जुड़े रहे ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।